फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी नेचुरल वर्षा। टाइटल देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ जॉनसन्स के एक प्रोडक्ट का रिव्यू प्लस डेमो करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन होगी उसे क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि मैं जब भी अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिलती रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको कैसा लगा। मेरे पास है यहाँ पर जॉनसन्स बेबी क्रीम। इसके ऊपर मेंशन किया गया है जॉनसन्स बेबी क्रीम, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर मेंशन किया गया है जॉनसन्स बेबी क्रीम। सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। मुझे ये किसी भी तरह के डब्बे में पैक करके नहीं मिली थी, मुझे ये खाली इसी तरह से ट्यूब फॉर्म में मिली थी। व्हाइट कलर की ये ट्यूब फॉर्म है जिसके ऊपर लाइट पिंक कलर से इसके बारे में इसके ऊपर मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की ये ट्यूब फॉर्म है, इसके ऊपर लाइट पिंक कलर से इसके बारे में मेंशन किया गया है। बहुत ही सुंदर पैकेजिंग रखी हुई है इन लोगों ने इस क्रीम की। व्हाइट कलर की ये ट्यूब फॉर्म है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, छोटी सी ट्यूब है। मार्केट में जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट की एक किट भी अवेलेबल है जिसमें आपको कई सारे प्रोडक्ट एक साथ मिल जाते हैं। जॉनसन्स बेबी क्रीम, जॉनसन्स बेबी शैम्पू, जॉनसन्स बेबी सोप, जॉनसन्स बेबी पाउडर, जॉनसन्स बेबी हेयर ऑयल, जॉनसन्स बेबी बॉडी लोशन, कई सारे प्रोडक्ट आपको उस किट में एक साथ मिल जाते हैं। अगर आप उस किट को परचेस करना चाहते हैं तो आप उस किट को भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट को परचेस नहीं करना चाहते, आप किसी सिंगल पीस को भी परचेस कर सकते हैं। मैंने इसे सिंगल पीस में परचेस किया है। इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट इसका किसी भी तरह से परचेस कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप इसे लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप इसे वैसे परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। 50 रुपीज़ इसका प्राइस है, 30 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। 50 रुपीज़ में आपको 30 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाएगा। मार्केट में इसकी और भी कई सारी क्वांटिटी अवेलेबल है, आप जितना मर्जी चाहे उतना इसे परचेस कर सकते हैं। इसमें ये मेरे पास में 30 ग्राम की है, आप चाहे तो इसे 50 ग्राम में, 100 ग्राम में, जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप इसे उतना परचेस कर सकते हैं। 3 ईयर की आपको इसकी सेल्फ लाइफ मिल जाएगी। जॉनसन्स एक बहुत पुराना ब्रांड है। हम जॉनसन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं अपने बेबीज के लिए यूज करते हैं। जब तक आपका बेबी 1 ईयर का ना हो जाए तब तक आपको ओनली जॉनसन्स के प्रोडक्ट ही अपने बेबीज के लिए यूज करने चाहिए। जैसे कि आपके आप अगर अपने बेबी को हेयर ऑयल लगाते हो तो जॉनसन्स बेबी हेयर ऑयल लगाए, जॉनसन्स बेबी क्रीम लगाए, जॉनसन्स बेबी सोप लगाए, जॉनसन्स बेबी पाउडर लगाए। अगर आपके बेबी को नैपी एरिया में रेडनेस हो जाए, जब हम काफ़ी टाइम तक अपने बेबी को नैपीज लगा कर रखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उसके नैपी एरिया में रेडनेस आ जाती है, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आप जॉनसन्स बेबी क्रीम रात के टाइम उसको लगा कर छोड़ दे और सुबह में आप देखोगे कि आपके बेबी का नैपी एरिया एकदम से ठीक हो जाएगा, उसकी सारी रेडनेस जो है वो एकदम से रिमूव हो जाएगी। कुछ साल पहले तक तो ये था कि मार्केट में ओनली जॉनसन्स ही एक ऐसा ब्रांड था जो कि हम अपने बेबीज के लिए यूज़ कर सकते थे। ओनली मार्केट में जॉनसन्स ही अवेलेबल था। अब कुछ टाइम पहले से मार्केट में और भी कई सारे ब्रांड अवेलेबल हो गए हैं जिन्हें कि हम अपने बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको ओनली जॉनसन्स ही सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये एक क्लिनिकली ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। आपका बेबी जब तक 1 ईयर का ना हो जाए तब तक आप ओनली जॉनसन्स के प्रोडक्ट ही अपने बेबीज़ को यूज़ कराए। जॉनसन्स के प्रोडक्ट बच्चे, बूढ़े, लेडीज, जेंट्स, हर कोई जॉनसन्स के प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आप कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो आपको पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नेस हो जाते हैं, आपके फेस पर रेडनेस आ जाती है, आपको कोई भी प्रोडक्ट शूट नहीं करता है, तो आप जॉनसन्स के प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मॉइस्चराइजर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम अपने फेस को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो हमारे फेस पर ग्लो नहीं रहेगा, हमारे फेस का जो ग्लो है वो कहीं खो जाता है और हमारी जो स्किन है वो बहुत ही रूखी रूखी बेजान दिखाई देने लगती है। इसलिए मॉइस्चराइज हमें अपने फेस पर जरूर करना चाहिए, चाहे वो ऑयली स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, स्किन चाहे कौन सी भी हो, बट एक मॉइस्चराइजर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप जॉनसन्स बेबी क्रीम का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर ऐड किया गया है, इसलिए आप जॉनसन्स बेबी क्रीम सेंसिटिव स्किन वाले अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं।
सेंसिटिव स्किन वाले जॉनसन्स के किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, ये आपको किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली ये बच्चों के लिए इतने सेफ होते हैं तो बड़ों के लिए तो सेफ होंगे ही, इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले जॉनसन्स के प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। जॉनसन्स बेबी क्रीम का सेंसिटिव स्किन वाले एज ए डे क्रीम, एज ए मॉइस्चराइजर, एज ए हैंड क्रीम, एज ए नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हैं। आपको ये किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगी। एंड ड्राई स्किन वाले भी इसका यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों को भी अपने फेस के लिए एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। अगर आप कोई बहुत ही अच्छा और सस्ता मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं तो आप जॉनसन्स के इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले इसे एज ए मॉइस्चराइजर, एज ए डे क्रीम, एज ए नाइट क्रीम, एज ए हैंड क्रीम भी आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर ऐड किया गया है, इसलिए आप इसे एज ए हैंड क्रीम भी यूज कर सकते हैं। ये आपके हैंड को बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ कर देगा, ये आपके हैंड को एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर ऐड करेगा। इस क्रीम का यूज नॉर्मल स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले एंड सेंसिटिव स्किन वाले इस क्रीम को एज ए डे क्रीम, एज ए नाइट क्रीम, एज ए मॉइस्चराइजर एंड एज ए हैंड क्रीम भी यूज कर सकते हैं। बट ऑयली स्किन वाले इसे एज ए डे क्रीम, एज ए नाइट क्रीम, एज ए मॉइस्चराइजर अपने फेस पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के फेस से एक्स्ट्रा ऑयल निकलता रहता है। इसलिए इस क्रीम को यूज करने के बाद हो सकता है उन्हें उनके ऑयललेस की प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाए, इसलिए वे अपने फेस पर इस क्रीम को अप्लाई नहीं कर सकते। बट एज ए हैंड क्रीम ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं। ये आपके हैंड्स को एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर ऐड करेगी, इसलिए आपको एज ए हैंड क्रीम अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आप ओनली जॉनसन्स के इस प्रोडक्ट को ही अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जिन लेडीज की 40 प्लस एज हो जाती है उनके फेस पर फाइन लाइंस और रिंकल्स आने लगती हैं, उनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है। अगर वो अपने फेस पर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो उन प्रोडक्ट से उनके फेस पर साइड इफेक्ट हो जाता है, उनके जो फेस की रेडनेस है और वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए उन्हें कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। इसलिए जो 40 प्लस एज की लेडीज भी इस प्रोडक्ट को अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के बाद उनके फेस पर ना ही तो रेडनेस आएगी, ना ही किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट होगा। 40 प्लस होने के बाद उनकी स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स भी आ जाते हैं। इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद उनके जो फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट हो जाएगी। वे लेडीज इसे एज ए डे क्रीम, एज ए मॉइस्चराइजर, एज ए नाइट क्रीम भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें कई सारे प्रोडक्ट भी अपने फेस पर अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि टीनेजर भी ये सोचती हैं कि हम अपने फेस पर ऐसा क्या अप्लाई करें जिससे हमारे फेस पर किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। टीनेजर एज वाले लोग भी इसे एज ए डे क्रीम, एज ए नाइट क्रीम, एज ए मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। और जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वे डे क्रीम लगाए, मॉइस्चराइजर लगाए, कई सारे प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करें, तो कई सारे प्रोडक्ट उन्हें अपने फेस पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप ओनली इस वन प्रोडक्ट को ही अपने फेस पर अप्लाई करके आप अपने मॉइस्चराइजर, अपने डे क्रीम को कम्प्लीट कर सकते हैं। ये आपके फेस के लिए 100% सेफ है, नेचुरल प्रोडक्ट है, किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है ये, इसलिए आप इसे अपने फेस पर, अपने हैंड पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और सुंदर हो जाएगी और आपके फेस पर एक एक्स्ट्रा ग्लो ऐड होगा। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि ये ओपन कैसे होगी। इस तरह से ओपन होगी ये, वो थोड़ा सा प्रोडक्ट ही आपको अपने फेस के लिए, अपने हैंड्स के लिए काफी होगा। बहुत जल्दी आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगी। इसे अप्लाई करने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने अपने फेस पर, अपने हैंड पर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई किया हुआ है। जिस तरह से मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपके हैंड्स पर, आपके फेस पर चिपचिपा और भारीपन सा हो जाता है, इस क्रीम से वैसा नहीं होगा। बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है इस क्रीम में। इसे लगाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ भी अपने फेस पर, अपने हैंड्स पर अप्लाई किया हुआ है। बहुत जल्दी ये आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगी।
फ्रेग्रेंस की अगर बात करें तो जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट में से जिस तरह की फ्रेग्रेंस आती है बिल्कुल वैसी ही फ्रेग्रेंस इस क्रीम से आ रही है। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको कैसा लगा। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।